जरा एक बार कल के फॉर्मूले निकाल के पढ़ो, रीड यस्टरडे फॉर्मूले वंस, द वंस विच वी डिराइव्ड इन द लास्ट, द वंस विच आई डिराइव्ड इन द एंड, कैन वी स्टार्ट? यस सर। चलो व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट, व्हाट वाज एक्स इंटरसेप्ट फॉर्मूला? 2 इनटू रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। वाई इंटरसेप्ट का राइट दिस, these all what we discussed yesterday, फर्स्ट वन तो ओवरऑल प्रॉब्लम है, कमन
And third one, first one. Lying in Q3. It's a figure. But you look, it's a figure. Yes, sir. Yes, sir. Circle equation. Sorry. Center minus 5 comma minus 5. X plus 5 whole square, y plus 5 whole square is equal to 5 square. Next. X minus a whole square plus y minus a whole square is equal to a square. Correct? बच्चों का मैं करेक्ट कंफर्म करो जी बोलो ना यस सर यस पासिंग थ्रू 2,1 टू माइनस ए होल स्क्वायर 1 माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक में ए आता दो वैल्यू आते बोलो क्या है 1 and 5 All of you agree? A square minus 6A A minus 1 into A minus 5 A is equal to 1 and 5. So x minus 1 whole square plus y minus 1 whole square is equal to 1 square. X minus 5 whole square plus y minus 5 whole square is equal to 5 square. Bachelo, correct? Yes. Can you tell me why you are getting two circles here? एक का रेडियस 1 एक का रेडियस 5 एक छोटा सर्कल टचिंग बोथ दी एक्सिस एक बड़ा सर्कल ये दोनों कहां से जा रहे 2,1 हम अगर फिगर यस सर was a rough sketch Shall I?
सम्मान मेयर क्लास में आए शोएब यस सर 29 अपना स्ट्रेंथ बढ़ा कुछ नए नए नाम आ दिख रहे क्या जी मेरे हेलो यस सर एनी न्यू नेम सर इज द आंसर x स्क्वायर माइनस 6y प्लस y स्क्वायर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना हेलो ना हां सर एनी न्यू नेम नो सर वी आर ऑफ आवर क्लास ओनली आवर क्लास ओनली They are not coming daily, sir. Yes, sir. सम्मान नंबर फिर मैसेज डालेंगे अरे मैसेज कहाँ पढ़ूंगी मैं हाँ बोलो अदनान बोलो कुछ बोल रहे थे आप x square minus 6y plus y square क्या है वो Intercept of two units on positive x-axis, such as y-axis 0,3. Correct? Yes, sir. This is 2. This point is 0,3. इसलिए proof कभी भी याद रखना जी. Proof का logic problem में आता. प्रूफ का लॉजिक जो है प्रॉब्लम में इस्तेमाल होता व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट क्या जी टू रूट जी स्क्वायर माइनस सी वन तो जी स्क्वायर माइनस सी वन करेक्ट है यस सर सर्कल इज टचिंग वाई एक्सिस ये सर्कल को इट इज टचिंग वाई एक्सिस प्रूफ में याद है अपन क्या करें फुट एक्स सर फुट एक्स इक्वल टू जीरो क्या है अब बोलो क्या हो रहा दिस क्वाड्रेटिक शुड हैव टू रूट्स दिस क्वाड्रेटिक शुड हैव टू रूट्स बट सर्कल इज टचिंग माने हाउ मेनी रूट्स क्वाड्रेटिक हैव इन ओनली वन रूट व्हाट इज द रूट 3 देयरफॉर y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c शुड बी इक्विवेलेंट टू जबरदस्त लॉजिक है जिसको ये आइडिया आया आंसर आ गया अब बाकी का कोई भी कर सकता कंप्लीट करो चलो हेलो सर सुन रहा हूँ बोलो सर कैन यू एक्सप्लेन दैट सर व्हाई वी आर टेकिंग y माइनस 3 होल स्क्वायर इसको कितने रूट्स लेना जी 2 लेकिन टच एक कर्व है लाइन है लाइन कट कर रहा बोलते कितने रूट है 2 टच कर रहा बोले तो 1 नाइदर टचिंग नॉर कटिंग बोले तो यहाँ पे कट हो रहा टच हो रहा टच हो रहा तो दोनों रूट क्या हो जा रहे इक्वल इक्वल यस सर जबरदस्त सर अंडरस्टूड जबरदस्त लॉजिक है जबरदस्त लॉजिक है खत्म प्रॉब्लम हो गया कुछ करने की जरूरत नहीं है
आया आंसर वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स वाई, तो टू एफ इज इक्वल टू माइनस सिक्स, सी इज इक्वल टू नाइन, फेंको जी स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस सी, ये क्या है जी, तो जी स्क्वायर इज रूट टेन, करेक्ट है, तो जी प्लस और माइनस रूट टेन, लेकिन सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलता हूँ सेंटर माइनस है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू रूट टेन एक्स टू एफ वाई माइनस सिक्स वाई प्लस सी, सी इज नाइन, बच्चे लोग आम करेक्ट इफ एनीथिंग रॉन्ग करेक्ट मी, आम करेक्ट यस सर, इसका सेंटर क्या है टू रूट टेन का मात्री, सेंटर भी इसको घुमा फिरा के दो बार मेंस में पूछा, नेक्स्ट वन 19 मेंस, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस एट 3,0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट, मेकिंग इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 ऑन वाई एक्सिस इज पासिंग थ्रू बच्चों, एनी डाउट एनी क्वेश्चन ऑन दिस, आई एम रेडी, ईजा समझ गए, अबरार yes, अबरार समझ गए, ओके नेक्स्ट आंसर बोलो, इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 सर, हेलो सर,
सर पूरा क्लास आंसर देना जिसका सर होल क्लास शुड गिव आंसर फॉर दिस व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट व्हाट इज दैट सर आफ्टर लेंथ इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 8 ऑन वाई एक्सिस या अभी वहीं पे है इज इट अ फिगर सर देयर कैन बी टू पॉसिबल आंसर्स या इसीलिए ए एंड डी बोथ आर सैटिस्फाइंग यस सर डिपेंड्स ऑन द सर्कल इफ इट इज अबव द एक्स एक्सिस और बिलो द एक्स एक्सिस टू ऑप्शन शुड नॉट सैटिस्फाई विद अ सिंगल आंसर क्वेश्चन फॉर द लेंथ ऑन वाई एक्सिस Eight. This is 8. 2 root f square minus c is equal to 8. F square minus c is 4. Correct? Sorry, 16. Bachalo, correct? Bachalo, yes. Correct? Y is equal to 0. X square plus 2gx plus c is equal to what? X minus 3 whole square. So 2g is equal to minus 6, correct? Yes, sir. C is equal to 9. F square is 16 plus 9. F is plus or minus 5. Circle equation 1. X square plus y square plus 2gx minus 6x plus or minus 10y. प्लस 9 इज इक्वल टू 0 अब ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके चेक करो आर 2 सैटिस्फाइंग 3 10 2 3 1 5 3 5 He says 310 man. Yes, sir. I understood my mistake. It is only 310. Same problem. Locus form mein pucha. Kab 2019 mains. Ready? Yes, sir. Yes, sir. Shall I dictate the problem? Yes, sir. Yes, sir. A circle cuts chord of length 4a on x-axis. A circle cuts chord of length 4a on x-axis. And passes through a point on y-axis. A circle cuts a chord of length 4a on x-axis and passes through a point on y-axis, comma, distant 2b from origin. Comma, distant 2b from origin. Distance 2b, sir. Distant 2b from origin. I'll give exact language which he has asked. Then equation to the locus of center of the circle is dash. Equation to the locus of sir. अरे द हमजा यस सर डिक्टेट द प्रॉब्लम वंस सर आई डोंट नो आई रोट इट इन शॉर्ट हैंड कोने और लिखे तो जुनैद जरा प्रॉब्लम पढ़ोगी अ सर्कल कट कॉर्ड ऑफ लेंथ 4a ऑन
x-axis passes through and passes through point on y-axis distant 2p from origin, then the equation to locus of center of circle. Locus to center of circle. Yes. Correct है? लिख लिए? Start करो. Yes sir. चेहरा दिखाने समान उम्र आ गए. चलो कैन दिस बी द फिगर. डिस्टेंट कितना बोले? 2b और b. 2p sir. 2b sir. 2b. Distant 2b from origin बोलते हैं. Point क्या हो गया? What is this length? Origin. Let the circle be. Correct? Yes sir. Now. Pay attention. What is x-intercept? For a. मतलब क्या है? Correct. Yes sir. सर्कल ऑरिजिन से जा रहा, सॉरी सर्कल 0.2b से जा रहा. इसको लेके सर्कल में फेंको. करेक्ट जाएगा. Correct. Yes, sir. What is your C? 4B square. Boy, 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 boy. C is G square minus 4A square. हमें दोनों इक्वेशन में से C eliminate करें. 4BF. C के बदले में. बच्चे लोग वेट यू वोंट हैव एन आइडिया. बच्चे लोग वेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाइस ट्रिकी पोजिशन. वेट, लोकस किसका चाहिए? सेंटर का लोकस. सेंटर क्या है? लोकस फर्स्ट ईयर में क्या बोले?
एच कमा के, तो अपना जी क्या हो गया, एफ क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट करो 4b square 4b, f इज माइनस के, g square इज माइनस एच होल स्क्वायर माइनस 4a square, 6h, सेंड ऑल द टर्म्स द अदर साइड, व्हाट विल आई गेट, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो बन, 4b minus 4b square 4a square, फर्स्ट भी देना, फर्स्ट वो लिखेंगे 4a square minus 4b square प्लस 4b के। अब रिप्लेस लोकस प्रॉब्लम्स में क्लाइमैक्स में क्या करते हैं, एक्स एंड वाई, रिप्लेस एच एंड के वाई, एक्स एंड वाई, पैराबोला। सेकेंड डिग्री इन एक्स, फर्स्ट डिग्री इन वाई, और एक ऐसा वाला करते, यस सर,
y square minus 4x plus 4 is equal to 0. चलो आंसर आया, चलो आंसर आया, वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो. वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो. वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो. लेट जॉइन हो रहा क्या जी? पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 2,0 सच एज वाई एक्सिस. देखा है फिगर, पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 2,0 सच एज वाई एक्सिस. व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल टचिंग वाई एक्सिस? इट्स इक्वल टू जीरो. करेक्ट है? यस सर. और सर्कल इज पासिंग थ्रू 2,0. आसान है ना जी? 4 y square प्लस 0 2g इंटू 2 करेक्ट, 2f इंटू 0 करेक्ट है? करेक्ट है? दोनों में जो c एलिमिनेट कर दो, c इज माइनस 4 माइनस 4g, तो f स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 4g. लोकस सेंटर का क्या है? g इज माइनस h, f इज माइनस k. व्हाट विल आई गेट मैन? Is it y square equal to 4x minus 4? Yes, sir. No. These are called notations. Can I clear this off? Excuse me, sir. बोलो सर, इन दिस सर्कल वी आर गेटिंग एन एक्स इंटरसेप्ट? नो सर, एक्स इंटरसेप्ट नहीं मालूम अपने को. इट इज पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट 2,0 बोला. ये इंटरसेप्ट क्या है नहीं मालूम अपने को? यस सर, यस सर. नो, कैन आई क्लियर दिस ऑफ? Yes, sir. I have to introduce a new concept. What does S equal to stand for? बच्चों लोग pay attention. S1 stands for एक्स स्क्वायर का आधा, सॉरी एक्स स्क्वायर विल बिकम एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर विल बिकम वाई वाई वन, टू जी का आधा जी इंटू एक्स प्लस एक्स वन, टू एफ का आधा एफ इंटू वाई प्लस वाई वन प्लस सी. रिमेंबर इट्स अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई. सो व्हाट डज एस इज इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट? Look at this. It's a first degree equation in x and y. What does S1 is equal to 0 represent? A line.
S11, X1 square, Y1 square, 2GX1, 2FY1 plus C. Point लेके substitute कर रहे हो, so ultimately, what does S11 represent? Hopefully, I am clear, all the three. So, yes, sir. Come on, all of you, unmute your mics. Tell me what is S1 and S11. S1 padho, abbreviate S1. X into X1 plus Y into Y1 plus G into X plus X1 plus F into Y plus Y1 plus C. What does S11 stands for? X1 square plus Y1 square plus 2GX1 plus 2FY1 plus C. हेलो वो अकेला पढ़ रहा बाकी के लोग क्या कर रहे थे फिर से ऑल ऑफ यू अनम्यूट योर माइक्स चलो अनम्यूट योर माइक्स रीड S1 स्टार्ट X1 plus YY1 plus G into X plus X1 plus F into Y plus Y1 plus C. Plus C. S11 equal to X1 square plus Y1 plus Y1 square plus 2GX1 plus Y1 plus C. अरे रुको जी. S11, all of you unmute your mics, read. X1 plus Y1 plus G into X plus X1 plus F into Y plus Y1 plus C. फिर से S1 all of you unmute your mic पूरा क्लास मेरे को 30 आवाज आना X1 plus Y1 plus G into X plus X1 plus F into Y plus Y1 plus C S11 पढ़ो X1 square plus Y1 square plus Y1 plus C. Sir, I did not get. Can you explain once again? I did not. Sir, 1 minute. Sir, how you got X1 square? These are notations, man. What is your name? Junaid. What is the name of S1? X1. Understood. That's it. उसमें कुछ भी नहीं उसमें explanation कुछ नहीं तुमने ये S1 बोले तो ये S11 बोले तो ये अब ये कई को है because we use it in problem. Now yes. एक point है एक circle है What I am trying to tell you is position of a point PX1, Y1 with respect to a circle. Look here. What happens when a point lies outside the circle? CP and R कौन सा पढ़ाई थी CP square greater than R square C is circle is S is equal to 0 C is minus G comma minus F C is X1 comma Y1 बोलो what is CP square X1 plus G square plus Y1 plus R square. Y1 plus R. Correct. क्या expansion क्या होगा जी? बोलो. Y1 square plus F square plus 2FY1. G square plus F square minus C. G square GO. F square GO. इस तरफ लो क्या बनता S11 माने यू आर टेकिंग पॉइंट एंड सब्स्टिट्यूटिंग इन द सर्कल इक्वेशन
this is greater than zero. मतलब क्या है? सर्कल पॉइंट है, सर्कल पॉइंट है, सर्कल पॉइंट है, पॉइंट को लेके सर्कल में डालो, पॉइंट को लेके सर्कल इक्वेशन में डालो, पॉइंट को लेके सर्कल इक्वेशन में डालो, पॉजिटिव आया पॉइंट कहाँ पे है? सर्कल के बाहर. नेगेटिव आया पॉइंट कहाँ पे है? सर्कल के अंदर. सर्कल के अंदर. इक्वल टू आया पॉइंट लाई ऑन द सर्कल. In fact, this CP square minus R square को क्या बोलते हैं मालूम? CP square minus R square को क्या बोलते हैं मालूम? Power of the point P. Point P में कितना दम है? Point P में कितना दम है? चलो start writing. With respect to a circle, x is equal to full form लिखेंगे. Shall we start? 1 minute, sir. Circle point. P lies kidhar outside the circle implies and implied by CP square minus R square kya ho gaya CP square minus R square is equal to S11 kya ho gaya greater than 0 circle पॉइंट. अब बोलो आई नीड नॉट टेल यू वेयर सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सेंटर ऑफ सर्कल आर इज रेडियस. अब बोलो अब बोलो अब बोलो क्या पी लाइज वेयर इज पी लाइज Inside the circle. क्या हो गया जी क्या हो गया जी implies and implied पे क्या होगा बोलो CP square minus R square is equal to S11 क्या हो गया क्या हो जाएगा less than zero. Case 3. What happens here? P lies on the circle. What happens? CP square minus R square is equal to S11 is equal to 0. In the end, to conclude this way also, S11 is equal to CP square minus R square is called. What is this called, man? पॉइंट का ताकत. व्हाट इज पॉइंट का ताकत स्टैंड फॉर सीपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. पॉइंट का ताकत स्टैंड फॉर पावर ऑफ द पॉइंट. सीपी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज कॉल्ड पावर ऑफ द पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल एस इज इक्वल टू जीरो. Power of point P, that is CP square minus R square is equal to S11 greater than 0. What all we told here, we are writing once again. When? Point lies outside the circle. Outside. Power of point P, S11 less than 0, when P when lies. Point lies. Inside. Power of point P is equal to 0 when the point lies on the circle.
Any doubts? Any questions? कोई शक? I'm waiting. No sir. Done. Can I move it? Yes, sir. Yes, sir. Write this application. Ab bas hai. 2 minute. We shall continue tomorrow, man. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Bye, sir. Bye. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir.